हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है ZX-C2 BGA रिवर्क मशीन को किस तरह से सर्विस किया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ZX-C2 मशीन है और इसके अंदर बहुत सारा डस्ट लगा है और ये नोज़ल से लेके वो सब कुछ जाम हो चुका है। तो आज हम पूरी प्रोसेस इसकी देखेंगे कि इस BGA रिवर्क मशीन को किस तरह से ओपन किया जाता है। तकरीबन सभी BGA रिवर्क मशीन के अंदर सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसके अंदर ऐसे 3 हीटर होते हैं, एक अपर हीटर, एक बॉटम हीटर और एक आईआर हीटर वाला तकनीक। तो इस पूरी वीडियो सीरीज़ के अंदर अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि इसको किस तरह से ओपन करते हैं। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बनाया हुआ है, आपको हर एक वीडियो को देखना है। हर एक वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन सा सेक्शन कैसे ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंट्रोल पैनल आगे की जो है वो निकालते हैं, इस तरह से कि हमें राइट साइड पर उसका एक नॉच मिलेगा, तो वहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं और उसको एक मार्क कर देते हैं कि वो कौन सा हीटर का कंट्रोलर है। आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकेंगे कि देखिए यहाँ पे राइट साइड पे एक नॉच रहेगा, उसको थोड़ा प्रेस करिए और हल्के से उसको बाहर निकालिए, वो आसानी से वो आ जाएगा बाहर। तो इस तरह से इसको निकाल के हमें अभी देखना है कि बाकी के कंपोनेंट किस तरह से रिमूव किए जाते हैं और आगे की सीरीज़ के अंदर अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है उसके ऊपर की ये फ्रेम, जो मदरबोर्ड को हम लोग इस फ्रेम के अंदर लगाते हैं। तो इसको धीरे से एक साइड से निकाल दीजिए और आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जो कंपोनेंट, जो भी पार्ट हम लोग पहले निकाल रहे हैं उसको आखिर में जब हम असेंबल करेंगे तब लगाना है। तो इस सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखाना है। तो हमने सबसे पहले रिमूव किया है उसकी एक फ्रेम, जैसा कि आप यहाँ पर इस फ्रेम को देख सकते हो। इस फ्रेम के अंदर अभी इस बेरिंग साइड में भी बहुत सारा डस्ट लगा हुआ है, तो हम इसको पूरा क्लीन कर देंगे और क्लीन करने के बाद में इसको हम फिटिंग करने वाले हैं। तो आपको नॉट बना लेनी है, जो आप पहला पार्ट निकालते थे वो उसको आपको लास्ट में लगाना है। और अभी हमें ये 4 स्क्रू जो आपको बता रहा हूँ, वो चारों स्क्रू आपको ओपन करना है, जिससे ये अपना टॉप कवर जो है वो बाहर निकल आएगा। तो अभी हम लोग निकालते हैं इन चारों स्क्रूओं को और उसके बाद की प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको आगे का पैनल जो है वो निकालना है और पैनल निकाल के फिर आपने 4 स्क्रू जो है वो निकाल दिए हैं, तो उसके बाद में ऊपर का जो आयर हीटर वाला जो प्लेट है उसको बाहर ले लेना है। तो एक तरफ से उसको लीजिए, इसके अंदर ध्यान रखिए पीछे की ओर केबल होंगे तो उसको बहुत ज़्यादा खींचा होना आए, तो इस तरह से उसको एक साइड पर कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे 4 जो है वो एक एलंकी है, तो एलंकी के स्क्रू जो है उसको आपको निकालना है। तो इसको ध्यान से एक बार उस ब्लैक प्लेट जो है उसको बाहर निकालना है। अभी आपको इन चारों स्क्रू को, जो अपने फैन के ऊपर भी लगे हैं, तो इन चारों स्क्रू को भी आपको एक बार खोल देना है। अभी अंदर की ओर आपको एक एल्यूमिनियम की एक प्लेट दिखेगी और इस प्लेट को भी आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 4 स्क्रू दिखेंगे, तो इन चारों को एक बार निकाल देना है।
अभी जो अंदर की और अभी जो पार्ट आपको दिख रहा है वो है हमारा एक वॉल्केनो कप, जिसके अंदर इस तरह से बोला जाता है कि एक बार फैन अगर आपका जब घूमता है हीटरों के अंदर, तो ये एक कप जो है इसी के अंदर एक भवंडर बनता है। उसकी जो बनावट है इस तरह से बनाई है कि उसके अंदर एक ऐसे कर्व दिए हैं, प्लास्टिक के नॉच बनाए हैं कि जिसके कारण एयर सर्कुलेशन जो है वो पूरा उसके अंदर से गुजरता है और एयर सर्कुलेशन उसके अंदर एक भवंडर के रूप में जाता है। तो इस कंपोनेंट को आपको खास ध्यान में रखना है, ये सभी बीजी रिवर्क मशीन के अंदर आपको मिलेगा। अगर ये क्रैक है तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, वरना आपके अंदर बीजीए मशीन के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका आईसी जो है बराबर निकल नहीं रहा है या फिर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इस कप को आपको ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना है, ये कहीं पे टूटा हुआ ना हो, और उसके अंदर का जो डस्टिंग है उस डस्ट को अभी हमें साफ करना है और उसको पूरा क्लीन करके फिर वापस लगाना है। अभी हमें कॉइल को निकालना है, कॉइल को बहुत आराम से धीरे से निकालिए, और पहले एक ऐसे एक प्लास्टिक कवर आएगा और उसके अंदर ये है उसका ऊपर का खोल, और यहाँ पे एक माइका सीट लगाई हुई है, एक इंसुलेटर का काम करेगी वो, जो मेटल के साथ में हमारी कॉइल को टच नहीं होने देगी। तो हमारी माइका सीट को भी आपको वेरीफाई करना है कहीं से टूटी ना हो, तो माइका सीट को एक बार वेरीफाई कर लिया। अभी हमें इस यूनिट को बाहर निकालना है और फिर हमें चेक करना है उसको पूरा सर्विस के लिए। तो आपके पास में ब्लोअर है तो ब्लोअर से या फिर समझो कोई ना कोई जो आपको साफ सफाई करने के लिए आपके सर्विस सेंटर के अंदर जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करिए और उसको पूरा क्लीन करिए, यहाँ से पूरा डस्ट निकालिए। सबसे ज़्यादा डस्ट इसी एरिया में रहता है क्योंकि ये फैन कंटिन्यूस ऑन रहता है जब हमारा बीजीए रिवर्क मशीन काम करता है। और इसके जो किनारे हैं, जो ये मूवमेंट वाला पार्ट है जो हम बॉटम हीटर बोलते हैं, तो बॉटम हीटर को हम मूवमेंट करवाते हैं, तो बॉटम हीटर का जो मूवेबल पार्ट है उसको पूरा क्लीन कर दीजिए, और कॉइलों के बीच से भी अगर डस्ट लगा हुआ है तो उस डस्ट को भी साफ कर दीजिए। साथ ही साथ में उसको एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी करना है कि कॉइल का कोई किनारा टूटा नहीं है या फिर कॉइल अच्छी कंडीशन में है, तो उसको एक बार पूरा वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बेरिंग है उसके ऊपर एक लॉक लगा होगा जो फैन को पकड़े रखेगा, तो हमें हल्के से उसको एक ट्वीज़र से उस लॉक को निकाल देना है। तो इसको लॉक को निकाल के फिर आगे से हम लोग फैन को ओपन कर लेंगे। इस फैन के अंदर इस तरह से एक स्प्रिंग निकलेगी, उस स्प्रिंग को भी निकालना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक बीजीए में इस तरह के का ही फ़ैन आए, तो अलग अलग फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह का फ़ैन दिखता है जिसके अंदर ड्यूअल बेरिंग यूज़ की है और उसको लॉक किया है नीचे की ओर स्प्रिंग लगाई है, तो उसको एक बार निकाल दीजिए स्प्रिंग को और लॉक को और फ़ैन को पूरा क्लीन कर दीजिए। इसके अंदर बेरिंग यूज़ की है तो इसमें ग्रीसिंग नहीं होगा, लेकिन आप लुब्रिकेशन के तौर पे WD-40 यूज़ कर सकते हैं,
तो इस बेरिंग के ऊपर आप WD-40 का एक स्प्रे लगा दीजिए, दोनों बेरिंग के ऊपर। WD-40 जो है वो एक लुब्रिकेटिंग के साथ साथ में वो एक क्लीनिंग एजेंट भी है, तो आप इससे अगर क्लीन करते हैं तो इसके ऊपर का पूरा डस्ट जो है वो निकल जाएगा। तो लुब्रिकेटिंग के तौर पे और डस्ट क्लीनर और के तौर पे भी हम WD-40 को यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर सबसे पहले हमें लगानी है उसकी स्प्रिंग जो हमने निकाली थी, तो पहले स्प्रिंग लगा दीजिए। और अभी उसके बाद में उसके ऊपर जो बेरिंग जो दी थी वो लगानी है। अभी इस फैन को उसके फैन के हाउसिंग के अंदर हमें उसको फिट करना है। तो ये आसानी से इस तरह से लग जाएगा। अभी फ़ैन का जो हाउसिंग है उसके पीछे से आपको फ़ैन को थोड़ा प्रेस करना है, तो स्प्रिंग की वजह से उसका जो सेंटर सेंटर जो है सेंटर का जो उसकी शाफ्ट है वो ऊपर की ओर आ जाएगी, और फिर हमें उसको ट्वीज़र से जो लॉक हमने निकाला था वो लॉक हमें लगा देना है। अभी ये लॉक लग गया है, उसको थोड़ा प्रेस कर दीजिए। इसके बाद में जैसे ही आप पीछे से प्रेशर हटा लेंगे जो शाफ्ट है वो पीछे की ओर चली जाएगी और फैन इस तरह से आराम से काम करेगा। ओके, तो अभी हमें ये जो माइका रोल है, एक माइका है, एक इंसुलेटर का काम करेगा जो हमारा कॉइल के साथ में जो उसकी जो बॉडी है हाउसिंग कवर जो है उससे कनेक्ट होने से ये बचाएगा। तो इस माइका रोल को पूरा क्लीन कर दीजिए, और ये कहीं से टूटा नहीं है वो एक बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके अंदर अगर डस्ट है तो एक बार साफ करके चेक कर लीजिए। इसको थोड़ा फैला लीजिए तो आसानी से कॉइल उसके अंदर चला जाएगा। अभी जब आप इस माइक का रोल को जब लगाते हैं एक बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी तरफ पे आपका वायर जो है वो बाहर ना दिखे, और अभी ये जो मेटल का जो उसका हाउसिंग है उसके अंदर माइका सीट के साथ में इसको फिट करना है। ये हीटर का हाउसिंग भी आपको क्लीन कर देना है। और अभी आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका माइका सीट के साथ साथ में ही कॉइल अंदर जाए, अंदर जाने के बाद में ऐसा ना हो कि माइका सीट ऊपर या नीचे रह जाए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसको एक बार सेट करना है। यहाँ पे हमारे 4 स्क्रू लगेंगे, और जो केबल है वो केबल को हमें इस किनारे से बाहर निकालना है, जो जो है हमारा कप है तो उसके लिए गैप दिया है उस केबल को बाहर निकालने का। तो इस तरह से लगा के चारों स्क्रू के लिए आप एक बार सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद में उसके ऊपर जो हमारा जो कप है उसके स्क्रू लगा देने हैं।
तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसको लगा देना है यूनिट के अंदर, और इसके बाद में हमें लेनी है वो एल्यूमिनियम प्लेट जो हमें इस कप को निकाला था उससे पहले जो हमने निकाली थी। तो इसको पूरा क्लीन करके फिर उसके ऊपर लगा दीजिए। उसका साइड भी आपको ध्यान में रखना है कि किस साइड से वो लगेगा, तो जब आपने निकाला था उस समय में आपको वो साइड ध्यान में रखनी है। यहाँ पे चार स्क्रू थे तो चारों स्क्रू को लगा दीजिए। अभी एल्यूमिनियम प्लेट के बाद में बारी है फ़ैन को लगाने की, तो अभी हम लोग फ़ैन लगाएंगे। फ़ैन में आपको एक बात ख़ास ध्यान में रखनी है कि फ़ैन का जो एयर है वो हमारे हीटर की ओर जाए, तो उसके लिए आपको फ़ैन को किस डायरेक्शन में लगाना है आप यहाँ पे वीडियो में देख सकेंगे कि जिसके अंदर आपको जो बेरिंग वाला जो एरिया है वो एरिया आपको लगाना है अंदर की ओर, और फैन एरिया जो है वो लगाना है बाहर की ओर, तभी एयर फ्लो जो है वो अपने नोज़ल के अंदर से पास हो पाएगा। आगे भी हम दूसरे भी फ़ैन निकालेंगे, जैसे टॉप हीटर का फ़ैन वैसे ही कूलिंग फ़ैन, और वैसे ही अपने बीजीए मशीन के अंदर जो दो फ़ैन है वो, तो उन सभी के डायरेक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है कि फ़ैन जब लगाते हो तब ये बात ख़ास ध्यान में रखनी है, ऐसा ना हो कि आपका फ़ैन उल्टा लग जाए, वरना ऐसा होगा कि आपका एयर फ्लो जो है वो कॉइलों में से नहीं जाएगा, ऊपर से कॉइल के अंदर से नीचे की ओर जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि फ़ैन को हमें किस डायरेक्शन में लगाना है। अभी जो हमने ब्लैक प्लेट पहले निकाली थी वो अभी आखिर में लगानी है, तो इसके कारण ये यूनिट जो है वो बाहर ना निकल आए। जब हम इसको ऊपर की ओर रखेंगे उस प्लेट को तो वो नीचे ना आ जाए, तो ये उसका एक लॉकिंग रहेगा। ये बॉटम हीटर का एक मूवेबल पार्ट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा लुब्रिकेशन कर देना है, तो इसके लिए आप WD-40 का स्प्रे कर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक वाइट ग्रीस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको पूरा लुब्रिकेशन के लिए चेक कर ले। तो ये था हमारा बॉटम हीटर को सर्विस करने का तरीका। बस वैसे ही अभी हम लोग अपर हीटर को, वैसे ही आईआर हीटर को किस तरह से सर्विस करते हैं, वैसे ही जो हमारे कूलर जो है कूलिंग वाले जो फ़ैन है वो किस तरह से सर्विस करेंगे, उन सब के बारे में आगे आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हर एक कंपोनेंट को निकाला जाता है वो भी हम चेक करेंगे। साथ ही साथ में आगे हम लोग देखने वाले हैं कि रैक एंड पिनियन जो आता है उसको किस तरह से निकाले। तो ऊपर की ओर यानी कि हमारे अपर हीटर के अंदर एक रैक एंड पिनियन भी है, तो वहाँ पे दो रैक एंड पिनियन है, यहाँ पे बॉटम हीटर पे एक रैक एंड पिनियन है, तो उसको भी हम लोग सर्विस करके चेक करेंगे।